वो फुटबॉल खेलने का शौकीन है। मुझे लगता है तुम्हें गालियां सुनने का शौक है। सलमान गाने सुनने का शौकीन है। अंटी को दूसरों की बुराई करने का शौक है। क्या तुम्हारे को शौक है हमको तंग करने का? आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में शौक की बात हो रही है। कोई शौकीन है या किसी को कोई काम करने का शौक है। और जब इस तरीके के सेंटेंसेस हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम फॉन्ट ऑफ यूज करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस बी का मतलब तो आपको पता होगा इज एम आर और वॉज वर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने फॉन्ट ऑफ यूज करना है। फिर उसके बाद आप नाउन यूज कर सकते हैं और सेंटेंस खत्म भी हो सकता है। या तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है प्लस आई एन जी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर आ रहा हो तो आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है, वरना अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। तो चलें आप कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप फॉन्ट ऑफ को सही तरीके से यूज कर सके। सलमान को गाने सुनने का शौक है। सलमान इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। और अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, सलमान को गानों का शौक है, तो आप बोलेंगे सलमान इज फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। आप इसको डायरेक्ट सॉन्ग्स भी लगा सकते हैं वर्ब को हटा के, ठीक है। मुझे लगता है तुम्हें गालियां सुनने का शौक है। आई थिंक यू आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग अब्यूजेस। अंटी को दूसरों की बुराई करने का शौक है, या तो अंटी को दूसरों की गीबत करने का शौक है। अंटी इज फॉन्ड ऑफ बैकबाइटिंग टू अदर्स। तुम्हें बेकार के आइडियाज देने का शौक है। यू आर फॉन्ड ऑफ गिविंग यूजलेस आइडियाज। और अगर इस सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो तो आपको खाली इज एम आर की जगह पे वॉज वर यूज करना होगा, जैसे कि तुम्हें बेकार के आइडियाज देने का शौक था। यू वर फॉन्ड ऑफ गिविंग यूजलेस आइडियाज। क्या तुम्हारे को शौक है हमको तंग करने का? आर यू फॉन्ड ऑफ डिस्टर्बिंग अस, या तो आर यू फॉन्ड ऑफ अनोइंग अस, या तो आप इसको बॉदरिंग अस भी कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट में क्या तुम्हारे को शौक था हमको तंग करने का? वर यू फॉन्ड ऑफ डिस्टर्बिंग अस, या तो अनोइंग अस, या तो बॉदरिंग अस, ठीक है। वो फुटबॉल खेलने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। और अगर आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव करना हो, जैसे कि वो फुटबॉल खेलने का शौकीन नहीं है, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। हमने सिंपली इस और फॉन्ड के बीच में नॉट ऐड कर दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। और अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, जैसे कि क्या वो फुटबॉल खेलने का शौकीन है? इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। हमने खाली इस सेंटेंस में सिंपली सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कर दिया और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे कर दिया, ठीक है। वो क्या खेलने का शौकीन है? व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अब आपकी बारी है, आपने इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है।